कैसे हैं आप सभी। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन की बेल को जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो देखिए मेरी ये कैप है और जल्दी ही मैं इसके 2 पार्ट अपलोड करी। फर्स्ट पार्ट मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, सेकंड में आपको मैं जो है इसका ऊपर टॉप वाला पार्ट बताऊंगी और नीचे का मैं फॉरहेड का इस तरह का स्ट्रिप बताने जा रही हूँ। 1 मिनट की ट्रिक है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज मतलब कैप वाली हमारी ट्रिक को। तो बहुत इजी ट्रिक है। तो इसमें मैंने जो है ऑलरेडी जो है 13 फंदे जो है मैंने ले लिए हैं और प्लेन रो जो है मैंने यहाँ पर 16 लेनी है। ठीक है, 2 ले लिए मैंने। ऐसे ही मेरी यहाँ पर 16 रो पूरी होगी तो मैंने यहाँ पर जो है इनको जो है पूरे को लेस करते हुए जाना है मैंने। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर 1 रह गया। ठीक है, इस तरह की शेप का आ गया, ट्रायंगल शेप का आ गया। अगेन फिर दोबारा से मैंने इस तरह से 13 फंदे लेने हैं, फिर दोबारा से 16 रो लेनी है, फिर लेस करते हुए जाना है। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करते हुए जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा लेती हूँ। फ्रेंड्स आप इस तरह से बना लीजिए। ये मतलब मैं जो कैप बना रही हूँ ये हेड की एक्रोडिंग है। मतलब इसमें आप मतलब हेड की एक्रोडिंग ही आप 11-13 डिबिया डाल सकते हो। तो मैं साथ साथ में आपको चेट करना भी बता रही हूँ कि मतलब इसके आगे कैसे मतलब इसे बनाया जाएगा। तो मैंने सब चेट बता रही हूँ आपको। इसमें मैंने दोबारा से जो यहाँ पर देख लीजिए मैंने 13 फंदे डाल दिए, 13 फंदों को अब मैंने क्या करना है, अब इस तरह से इसे पकड़ लेना है मैंने और इस तरह से ठीक है। ये हर बारी में मतलब ये फंदा मतलब इसमें ट्रांसफ़र होता हुआ जाएगा, मैं आपको बता लेती हूँ। बहुत इजी ट्रिक है। इस तरह से ये वाला फंदा यहाँ ट्रांसफ़र करना है और इसे तब तक घूमते हुए जाना है जब तक हम इसके लेवल के तक ना आ जाए। ठीक है, पूरे लेवल में आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, इन सब फंदों को फिर दोबारा से मैंने लेस करते हुए जाना है और उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पर मैंने 13 फंदों को उठा लेना है। 13 फंदों को उठा के सेम ऐसी ही ट्रिक करने साथ साथ फंदे ट्रांसफ़र करते हुए जाएंगे। तो चलिए घटा लेते हैं पहले। अगर आपको ये ट्रिक आती है तो इस ट्रिक से आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। आपको कैप के साथ साथ आप बेबीज़ के लिए पर्स, पोंचो, गले से स्टार्ट होने वाले सारे स्वेटर बना सकते हो आप। ये ग्राफ देखिए बहुत अच्छा ग्राफ बन के आया हुआ है। तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो आपने जितनी बड़ी मतलब ये बनानी है तो स्ट्रिप बना सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट को आप लाइक कीजिए। थैंक यू। ताकि जो है लॉन्ग स्ट्रिप बना दिया और पूरा बना दिया है। अब मैंने क्या कर रही हूँ, मैं इसका ऊपर का जो भाग बना रही हूँ इसमें मैंने सिंपल बॉर्डर लिया हुआ है। इसमें एक फंदा आगे की ओर, एक पीछे की ओर है। अब मैं जो है इसके बाद ये ट्रिक बता रही हूँ कि मतलब मैंने यहाँ से क्लोज कैसे करते हुए जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रिक को। फ्रेंड्स इस तरह के जो ऊपर का है मैंने ये खींच लेना है, मैंने इस तरह नीडल में मैंने डाल दिया था इसे। अब मैं जो इसके बाद ये वाली ट्रिक बता रही हूँ नीचे का बॉर्डर आपको। ठीक है, लास्ट का जो मैं आपको बता रही हूँ क्लोज करने का। तो जितने फंदे थे ये सारे के सारे मैंने जो उठा लेने हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ लेस करने का तरीका। ट्रिक तो मेरी सेम मतलब ये साइडिंग की जो है इस तरह से रहेगी, सिर्फ फ़र्क मेरा यहाँ से आएगा। मैंने हर बारी में जो है इन फंदों को लेस करते हुए जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ से मैंने सिंगल पिन से किया हुआ है, यहाँ मैंने 2 पिन से करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ तक करते हुए जाना है। इस तरह का ये ट्रायंगल शेप का आ जाएगा। पूरा राउंड आपने ऐसे ही करते हुए जाना है। अगेन फिर दोबारा से इन फंदों को उठाना और इनके साथ मतलब टच करते हुए जाना है और लेस करते हुए जाना है। ये पूरा राउंड इसलिए हुआ है कि बिकॉज मैंने जो है पिनअप कर दिया था। आप चाहो तो ओपन ही रख सकते हो और पिनअप बाद में कर सकते हो। मैंने पिनअप जो है पहले ही कर दिया है, इसे स्टिचिंग मैंने पहले ही कर दिया है। अब मैं आपको इसके बॉर्डर के बारे में बताऊँगी। ये जो बॉर्डर है अब देखिए बिल्कुल मतलब बिल्कुल सीधा आ चुका है मतलब ना। तो फिर आपने क्या करना है, इन फंदों को ट्रांसफ़र करते हुए जाना है। फिर मनचाहा आपने जो है बॉर्डर की लाइनें लगा देनी है। मैंने फंदे उठा दिए, इसमें फंदा मेरा एक आगे रहेगा, एक पीछे की ओर रहेगा और 16 रोल लगाते हुए जाना है। इस तरह का मैंने ये बॉर्डर बना दिया है। अब मैं इस साइड का बॉर्डर बनाने जा रही हूँ, फिर पिनअप कर लेना है। ठीक है,